सपना जी, कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है, बात कविता है। शिव का विषपान है तो राम की शक्ति पूजा है, कविता कृष्ण की गीता है तो तुलसी की रामायण है, जी लेकिन कविता जब कमनीय और रमणीय कंठ पे उतरती है तो एक ऐसा गीत बन जाती है जो जनगीत के स्वरों में गाया जाता है। तो बिल्कुल मुझे इस बात का थोड़ा सा अहंकार है, या ऐसे कह लूं कि मुझे फक्र है कि ये कविता ईश्वर ने मेरे तक पहुंचाई और मेरे होना द्वारा चाहिए, सब होना तक चाहिए, पहुंची। वो होना बिल्कुल चाहिए, शुक्रिया बिल्कुल होना अदा करता चाहिए। हूँ। इस मुल्क के हिंदुस्तान की बात करें तो इसके आखिरी मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और एक अंग्रेज शायर ने ताना मारते हुए कहा था कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो शायर का जवाब था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आज जो मैं इतने देख रहा हूं, मेरे साथी अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान की तेग है जो कहाँ कहाँ चल चुकी है। ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपनी हिम्मत है, ये अपनी क्या ताकत बात है, है, ये क्या अपना पराक्रम है। सुनिए। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। जिंदाबाद। और कविता जिंदाबाद क्यों है मित्रों, सुनिए। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। याद रखिएगा, अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेबरा जानवर बनाकर छोड़ती है, हिंदी अ अनपढ़ से शुरू होती है, यह ज्ञानी बनाकर छोड़ती है, ये अपनी क्या भाषा बात के संस्कार है जिनको हम है, जगाए हुए हैं। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है, सरयू के तट पर अवधी की चौपाई मुस्काती है, एक इशारा कर रहा हूँ, सरयू के तट पर अवधी की चौपाई मुस्काती है, जू रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है, नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद, कविता कविता जिंदाबाद, जिंदाबाद हमारी, कविता कविता जिंदाबाद हमारी, जिंदाबाद, कविता वाह जिंदाबाद। और आज वाह, जब मैं इस कविता को हजारों की भीड़ में सुनाऊंगा, तब मैं आपके यूबीआई के इस पटल का जिक्र भी वहां पे करने वाला हूँ कि मैं आज अपने विश्व बहुत के कितने बहुत देशों में जो धन्यवाद। लोग हैं वहां मैं इस कविता को सुना के आ रहा हूँ, तो मैं आज आपका जिक्र वहां करने वाला हूँ, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। और कविता रहती कहाँ है, कहीं एक शायर ने कहा कि इस गली में एक भूखा किसान रहता है। देखिए क्या संयोग है, सर्दी की रातों में देश के कई किसान जो हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनमें से नकली कौन है, असली कौन है, राजनीति क्या है, मैं राजनीति का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन मैं किसान का दर्द है उस दर्द को समझने के लिए सरकार से कहना भी चाहता हूं कि आप जब कहते हैं कि एक पोल की दूरी पे किसान है, तो क्यों ऐसा हो गया है कि वो किसान रो रहा है, बिलख रहा है और उसके साथ साथ अपने अधिकारों से लड़ रहा है, मेरे मेरे हल की नोक धरा से धान उगाती है, भूखी भू पर भरे पेट इंसान उगाती है, अगर अन्नदाता सड़कों पे उतरा है तो कम से कम सरकार को थोड़े समझौते करते हुए भी एक बार उनकी बात को मानना चाहिए, ये मेरा कवि मन कहता है। तो कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। कुछ कवियों कवि कविता रहती कहाँ है, ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, ये क्या गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है, इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, अब आपका मन चाहूंगा, इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है। आप बात है, देखिए शहीद आजम भगत बस सिंह, सरकार अभी तक शहीद आजम भगत सिंह को शहीद मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये देश जो है, दुनिया जो है, वो आज भी शहीद आजम को शहीद मानती है।
इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है, क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। मुझे लगता है मैं समय थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, स्वागत आप समय नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल साहब मंच आपका है। अंतिम पंक्तियां पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं जब रात को वापस लौट के आऊंगा तो इस पूरे वीडियो को सबको सुनूंगा और सबको सुनने के बाद में मैं अपनी प्रतिक्रिया आप सब तक पहुंचाऊंगा। सुनिए, मैंने जब कविताएं लिखनी शुरू की थी तो माँ शारदे के सामने एक शर्त, एक माँ के सामने एक शपथ ली। मैंने कहा, माँ मुझे इतनी शक्ति देना, ताकत देना, हिम्मत देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ भी लिख सकूं। अगर मैंने थोड़ी सी कड़वी बात कह दी बीच में तो आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन वो मेरा मन था, कवि था जो बोल गया। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। सुनिए, कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है, स्वर्णिम इसके शिलालेखों करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। एक पंक्ति पे पूरी पूरी कविता को न्योछावर कर रहा हूँ। पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं, तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। तो कविता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यूबीआई का ये जो फेस्ट 2021 है ये भी जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि यूबीआई का जो 2021 जो है फेस्ट जो है ये 2021 से लगाकर 22 23 24 अनवरत अपनी यात्रा करता रहे। मेरे कंठ पे इस समय सरस्वती है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वर्षों तक इसी तरह से जुड़ते रहें, मां हिंदी की सेवा करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।